हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हार्ट की हेल्प से गुलाब का चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या होगा दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमने यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से ऑलरेडी एक हार्ट का शेप बना लिया है। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो आप उठा लीजिए दोस्तों और हमारे साथ बनाना शुरू कर दीजिए। इसकी वीडियो को बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हार्ट शेप बनाने के बाद अब आप ऊपर के साइड में एक छोटा सा ऐसे एक ई लेटर लिख दीजिएगा। ये हो गया हमारा ई लेटर। ई लेटर लिखने के बाद अब आपको करना क्या, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको आप ऐसे ऊपर की तरफ घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद यहाँ से आप ऐसे नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करिएगा। यहाँ पे आप जो हमने हार्ट शेप बनाया था इसको आप टच कर दीजिएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे, नीचे की तरफ मिला दीजिएगा। अब आपको एक लाइन इधर ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे आप ऐसे मिलाइएगा, फिर आप ऐसे बीच में एक छोटी सी जहाँ पे हमने हार्ट बनाना शुरू किया था वहाँ पर लाकर आप मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों हाफ सर्किल बनाते हुए इसको आप ऐसे अंदर की तरफ कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हाफ सर्किल बनाते हुए आप ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। अंदर की तरफ करने के बाद आपको इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल करना होगा। इधर भी आप बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अब देखिएगा, इस हार्ट शेप को हम पहले थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। इधर से ऊपर की तरफ डार्क करिएगा और यहाँ पर भी आप ऐसे डार्क कर दीजिएगा। डार्क करने के बाद इधर से छोटा सा हाफ सर्कल बनाते हुए इधर आप बहुत ही सावधानीपूर्वक नीचे के साइड में डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करिए, एक लाइन आप इधर ऐसे हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए इसको यहाँ पे बनाइएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आगे की तरफ हाफ सर्कल बनाइए, फिर अंदर की तरफ करते हुए इसको आप ऐसे मिला दीजिए। एक छोटा सा गुलाब की पंखुड़ी आप इस साइड बना दीजिएगा। अब यहाँ पर एक बड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी बनाते हुए इसको आप ऐसे टच कर देंगे। टच करने के बाद जस्ट इसी के नीचे एक गुलाब की पंखुड़ी और आपको बनाना होगा, फिर हाफ सर्कल बनाते हुए आप इसको ऐसे मिला दीजिएगा और इसकी हेल्प से गुलाब की पंखुड़ी इधर बनाइए, एक छोटा सा आप इधर ऐसे बना दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इस हार्ट की शेप से आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद इसकी हेल्प से हम यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से गुलाब की पत्ती बना देंगे। इसी तरह गुलाब की पत्ती आपको इधर भी ऐसे बनाना होगा। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ करिए, इसको ऊपर की तरफ सेम प्रोसेस इधर रिपीट करिए। हाफ सर्कल बनाते हुए आपको नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करना होगा और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पे आप ऐसे नीचे की तरफ मिला दीजिएगा। इसको आप ऐसे बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल कर देंगे। डबल करने के बाद दोस्तों ऊपर के साइड में भी आप कुछ गुलाब की पत्तियाँ इधर बना दीजिएगा। अब आप चाहें तो इधर भी कुछ गुलाब की पत्तियाँ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब इस गुलाब को पेंसिल या मार्कर की हेल्प से शेप देना शुरू करते हैं। इससे पहले आप पूरा इसका हार्ट शेप यहाँ पे बना दीजिएगा, ऐसे करिए और यहाँ से आप ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिएगा दोस्तों।